हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इग्नू के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी असाइनमेंट्स हैं उनके आंसर कैसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के असाइनमेंट के कोई सा भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट का कैसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर चाहते हैं तो पिछले ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उसका भी कोई भी टॉपिक आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस टॉपिक को चूज़ करना है और उसको केवल सर्च करना है बुक के अंदर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे किया है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। तो आप कोई सा भी टॉपिक चूज़ कर लीजिए। चलिए मैं आपको एक असाइनमेंट देख लेते हैं, इसमें से कोई सा भी असाइनमेंट ले लिया है हमने। ये जो असाइनमेंट है ये जुलाई 2017 और जनवरी 2018 के सेशन का है। तो इस असाइनमेंट को ये है 2:1 का असाइनमेंट। तो हम कोई सा एक टॉपिक चूज़ कर लेंगे इसमें से, जो भी आपको सर्च करना है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के टॉपिक भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, ये 2:1 का असाइनमेंट है, इसका हमने टॉपिक लिया, ये सबसे लास्ट वाला ले लेते हैं, RRLF। और इसके ऊपर कोई सा ले लीजिए आप, कोई भी। चलिए 5 लॉ ले लेते हैं, 5 लॉ, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ। तो ये हमें सर्च करना है। तो इसका हम आंसर कैसे चूज़ करें, ठीक है, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। तो हमने ये 2 टॉपिक लिए हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले PDF में बुक देखनी है, ठीक है। तो हमने PDF में ये बुक खोल लेते हैं। तो ये बुक आ गई है PDF में, BLI 2:1 की बुक है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपली सर्च कर देना है। हर एक PDF रीडर में सर्च का ऑप्शन होता है, तो आपको बस उसको सर्च करना है। ये मेरा गूगल ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव PDF रीडर है, तो इस पर मैं आपको सर्च कर देते हैं बस RRLF। तो ये हमने कर दिया सर्च, ये रिजल्ट बता देगा कि ये एग्जैक्ट कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है गूगल ड्राइव में, ये हो गया ओपन, ठीक है। यूनिट 14 के अंदर ये हमको मिल जाएगा RRLF। तो हमें आसानी से मिल गया कि RRLF पूरी बुक के अंदर कहाँ पर है, कहाँ पर है, यूनिट 14 के अंदर है, और एग्जैक्ट बता रहा है ये 14.2.3। तो आप 14.2.3 अगर खोलेंगे तो आपको RRLF मिल जाएगा। तो RRLF की फुल फॉर्म, ये सब पूरी डिटेल में आपको वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अगर असाइनमेंट के आंसर लिखना है तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल गया आसानी से। तो इसी तरीके से आप चाहें तो दूसरा टॉपिक भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर इसी टॉपिक की डिटेल और देखना चाहते हैं तो 14.3.2 पर चले जाइए, या फिर ऊपर से ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जहाँ पर दूसरा RRLF होगा वहाँ पर आ जाएगा। तो ये RRLF सर्च करता जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे हम, सर्च होता जाएगा, ठीक है। ऊपर ये जो लिखा है ना 23 of 4, ठीक है, 4 of 23, तो इसके यहाँ पर नेक्स्ट जब हम करेंगे तो वो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे हम तो अगले टॉपिक पर ये पहुँच जाएगा RRLF। तो सारे RRLF बता रहे हैं 23 लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये एग्जैक्ट सर्च करेगा, ठीक है। तो ये हो गया RRLF, हमें मिल गया। तो अगर हमें दूसरा टॉपिक सर्च करना है तो हम वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा टॉपिक सर्च करते हैं। दूसरा टॉपिक हमने लिया था, क्या लिया था दूसरा टॉपिक, दूसरा टॉपिक हमने लिया था 5 लॉ, ठीक है। तो 5 लॉ सर्च कर लेते हैं, 5 लॉ, ओके, ये हो गया 5 लॉ। तो 5 लॉ जैसे ही हमने सर्च करा तो ये आ गया 5 लॉ। तो 5 लॉ हमें मिल गया, यूनिट 4 के अंदर है। तो यूनिट 4 में हम आसानी से मिल गया हमें 5 लॉ कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर ना आपको एक समस्या भी आ सकती है, चलिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या समस्या आ सकती है। तो देखिए ये 5 लॉ मिल गए हमें, ठीक है, तो 5 लॉ यहाँ पर हैं। तो अब देखो समस्या क्या आ सकती है, समस्या ये हो सकती है कि जो टॉपिक हमने सर्च करा है वो अगर एग्जैक्ट होगा तो हमें आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अगर एग्जैक्ट इस टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ होगा तो हमें आसानी से मिल जाएगा, पर अगर एग्जैक्ट नहीं होता है तो वो नहीं मिलेगा। चलिए देखिए ये 2:3 का मैंने एक और लिया है एग्जाम्पल, तो 2:3 का है ये, और इसमें से हमने लास्ट वाला ये लिया, कैनन्स ऑफ एरे, ठीक है। तो कैनन्स ऑफ एरे को अगर हम एग्जैक्ट सर्च करते हैं टॉपिक में,
तो देखिए अब की बार चलिए मैं दूसरा पीडीएफ रीडर खोलता हूँ, ये मैंने लिया है फॉक्सिट। ठीक है, बहुत सारे पीडीएफ रीडर होते हैं, WPS है, अडोब रीडर है, तो ये फॉक्सिट है। फॉक्सिट में चलिए हमने सर्च करा, तो मैं कह रहा हूँ ना आपको सब में सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, तो टैप करेंगे ये सर्च का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर हमने सर्च कर दिया एज इट इज़ क्या था वो कैनन्स ऑफ एरे। तो ये जब आप सर्च करते हैं तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आता, ये कहता है टोटल रिजल्ट फाउंड जो है वो जीरो है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना है, जैसे कि कैनन्स ऑफ एरे सर्च करा है हमने, तो हम इसको कर सकते हैं कैनन ऑफ एरे एस, अगर हमने हटा दिया हो सकता है एस क्या कहते हैं वहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर यूज़ ना हो, तो सर्च करा तो ये अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो आप इसको दोबारा से चेक करिए, ठीक है, और इसको आप या तो कैनन सर्च कर लीजिए या एरे सर्च कर लीजिए, ये आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इसका एरे सर्च कर लेते हैं, बाकी का आगे का हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे ही एरे सर्च करते हैं इसको क्लिक करा, ओके, अब हमने एरे सर्च करा तो देखेंगे एरे सर्च करते ही सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ओके, तो जहाँ भी जो सा भी रिजल्ट आपको सूटेबल लग रहा है उस पर आप टैप कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप टैप करेंगे वो उसी पेज पर आपको पहुँचा देगा। तो ये कर दिया हमने टैप, यहाँ पर पहले वाले पे इस पर ही क्लिक कर देते हैं हम। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये जो भी पेज होगा जहाँ पर भी ये होगा वहाँ पर आपको पहुँचा देगा। ओके, तो सिंपल था। तो दोस्तों आपको लेकिन अभी तक इसे वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, मैं आपको अब बताऊंगा कि ये मैंने करा कैसे है आखिर। ठीक है, देखिए अरे ये मिल गया हमको आसानी से। ठीक है, तो ये है यूनिट 3 के अंदर, 2-3 के यूनिट 3 में। अच्छा, ये बुक भी 3 है, ठीक है, ये 2-3 की बुक है, वो 2-1 की बुक थी। ओके, तो 2-1 की बुक में सर्च करा था, ये हमने 2-3 की बुक में सर्च करा है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब जो है हमने कैसे किया है, अगर आप इस ऐसे सर्च करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ थोड़ी सी ट्रिक चाहिए होगी जिसके द्वारा आप आसानी से जो भी लाइब्रेरी साइंस के असाइनमेंट हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं कोई सा भी टॉपिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए आपको एक बुक डाउनलोड करनी है पीडीएफ में। ठीक है, वो तो सिंपल है, आप बुक डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, बुक डाउनलोड अगर आपको नहीं करनी आती है तो आप ये साइड में ये जो वाइट कलर का आइकन देख रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की बुक, ये हमारी जो वीडियो है एक और वीडियो है आप वो भी देख सकते हैं, हमारी बहुत सारी वीडियो इन पे बनने वाली हैं। ठीक है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये हमने करा कैसे है आखिर। ओके, तो देखो दोस्तों मेरे पास जो बुक है वो थोड़ी सी अलग है इग्नू से। ठीक है, ये मैंने खुद थोड़ी सी इसको मॉडिफाई कर लिया है, बस बुक को लिंक कर लिया है। ठीक है, सारी जो भी एक बुक है उसका एक पीडीएफ बना दिया है, तो आपको ये सारे पीडीएफ डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये मैं आपको दे दूंगा, आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसके लिए एक वीडियो देखनी पड़ेगी वही वाली जो अभी बता रहा था मैं। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा। ओके, तो ये मैंने एक और पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ आपको, ये है 409 पेज का। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये 409 पेजेस का पीडीएफ है, इसका मतलब है कि इसके अंदर सारे ब्लॉक और सारे यूनिट आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप अगर इसके अंदर सर्च करेंगे तो कोई सा भी टॉपिक आपको आसानी से मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो बुक है इसके अंदर सारे ब्लॉक और सारे यूनिट आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपकी जो बुक आई है वो 4 पार्ट में हो सकती है, 4 ब्लॉक यानी कि, फिर उसके अंदर बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, और अगर आप इग्नू से डाउनलोड करेंगे तो वो सारे यूनिट और सारे ब्लॉक जो होंगे वो अलग अलग डाउनलोड होंगे। तो इसीलिए ये सारे हमने मर्ज कर दिए हैं और मर्ज कर एक यूनिट बना दिया है। तो आपको अगर ये बुक डाउनलोड करनी है तो आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी साइड में जो आ रही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बुक भी डाउनलोड कर लेंगे और आपका असाइनमेंट भी बन जाएगा, पर आपको मेरे को एक बात बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर कि मैं आपको अगर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को पढ़ाऊँ तो आपको मैं कैसे पढ़ाऊँ। ठीक है, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव टाइप में पढ़ाऊँ या फिर जो MCQ क्वेश्चन होते हैं उनके हिसाब से पढ़ाकर डायरेक्ट KVS लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करवाऊँ, तो ये आपको मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कि MCQ या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप की वीडियो आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।